फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं आपका दोस्त प्रेम केसानी और आप देख रहे हैं ABL गुरु। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम यूट्यूब कोई न्यू यूट्यूबर अपना चैनल स्टार्ट करता है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइबर क्यों नहीं आते हैं, सब्सक्राइब्यूज क्यों नहीं बढ़ते, उसके क्या मसला होता है कि यूट्यूब के चैनल पर उनको सब्सक्राइबर नहीं मिलते हैं। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा अल्टरनेटिव लेके आए हैं जिससे आपको तकरीबन थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप किसी को सब टू सब करते हैं तो उसको ये बताना लाजमी है, अगर आप किसी को सब करते हैं तो वो आपके यूट्यूब के कमेंट्स में ये ना कहें कि अगर मैंने आपका चैनल सब किया है तो आप भी मेरा चैनल सब कर दो। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे क्या होगा कि आपका चैनल बैंड भी हो सकता है। तो कुछ ऐसी ऐप्स हैं जिससे आप सब टू सब कर सकते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना कि ये है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप से बहुत ऐसे ग्रुप हैं जो कि यूट्यूबर्स चला रहे हैं, जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, तो आपको वो ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं और अपनी वीडियोस की लिंक उस ग्रुप में शेयर कर देनी है। और उसका ग्रुप अगर कोई आपको मैसेज करता है तो सब टू सब आप वहाँ से व्हाट्सएप से कर सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि आप फेसबुक के ज़रिए भी कर सकते हैं। फेसबुक में बहुत सारे यूट्यूब प्रमोटर चैनल के ग्रुप बने हुए हैं जिसमें बहुत सारे बंदे ऐड हुए हैं, वहाँ से आप अगर अपने पोस्ट डालेंगे तो उसमें बहुत से कमेंट्स आएंगे और वहाँ से आप मैसेंजर के थ्रू अपनी लिंक डाल के उस बंदे को मैसेज करके सब टू सब और अपना वॉच टाइम भी उससे करवा सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर आप किसी से सब टू सब करवा रहे हैं तो मैक्सिमम 30 सेकंड का टाइम उससे लेना बहुत ज़रूरी है। वो इसीलिए है कि अगर कोई आपको सब टू सब कर रहा है, उसने 5 या 2 सेकंड में आपको अगर सब कर दिया तो वो गूगल कंसीडर नहीं करेगा, वो सब्सक्राइबर आपका एड नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये करना है आपको कि आप अगर किसी से सब टू सब करा रहे हैं तो मैक्सिमम 30 सेकंड का टाइम तो आपको लेना ही है, ताकि YouTube की सर्च इंजन्स में उन लोगों को ये पता चले कि इस बंदे ने हकीकत में सब सब्सक्राइब किया है और किसी से सब टू सब नहीं करवाया है। YouTube की ये नई पॉलिसी है जिसमें आपको 1000 सब्सक्राइबर, पहले भी यही पॉलिसी थी, और 4000 मिनट होने चाहिए और उसके बाद 10,000 व्यूज़ के बाद आपके चैनल को प्रमोशन मिल सकती है। ये नहीं कह सकते हम, लेकिन मिल सकती है 4000 मिनट के बाद। अगर एक बात नोट कीजिए, अगर आपका चैनल मोनेटाइज होने ही वाला है, आपका 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुका है और आपका वॉच टाइम 83,000 के करीब या 39,000 के करीब 39,000 के करीब अगर होगा तो आपका जनवरी 20 तारीख को ये आपका चैनल और आपके जो व्यूज़, आपके जो सब्सक्राइबर, वो सब जीरो से स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपके 4000 मिनट नहीं हुए पूरे। तो आपको जल्द से जल्द जनवरी 20 तारीख से पहले ही अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स बढ़ा लेना चाहिए। कम से कम आपका वॉच टाइम तो बहुत ही ज़्यादा होना बहुत ही ज़रूरी है। 4000 मिनट जो उन्होंने रखे हुए हैं वो आपके पूरे होने बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो जनवरी 20 तारीख के से बाद आपके जो भी सब्सक्राइबर व्यूज़ और जो भी आपका वॉच आवर है वो सब जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से जनवरी से। तो आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए, अगर मज़ीद वीडियोस की मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। तो मैं हूँ आपका दोस्त प्रेम केसानी, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।